नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। मैं आज ब्रेन के नेचर और ब्रेन रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं और किस मेथड के आधार पर हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में संक्षिप्त में बताया जाएगा। तो चलिए आप लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट आपको मान जाइए, सपोज करिए, इमेजिन करिए कि आपको लिस्ट जो मिला है, पहला है आम, दूसरा पेन, कॉपी, बॉक्स, आलू, प्याज, मीठा, सब्जी, चिप्स और किप। अब इसी को याद करना है तो सबसे पहले आपको यह कल्पना करिए कि जब आप मार्केट जा रहे हैं तो आपके दादाजी कह रहे हैं कि मेरे लिए आम लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए आम लेते आइएगा। और दादी बोल रही हैं कि मेरे लिए पेन लेते आइएगा। और पापा बोल रहे हैं कि मेरे लिए एक कॉपी लेते आइएगा। मम्मी बोली कि बॉक्स लेते आइएगा। चाचा बोले कि आलू लेते आइएगा। चाची बोली प्याज लेते आइएगा। और भाई बोले कि मीठा लेते आइएगा। और बहन ने कहा कि सब्जी लेते आइए। बेटा ने कहा चिप्स और बेटी ने कहा केक। तो इस तरह हमने इसको जोड़ दिया। तो दादा ने क्या कहा? आम। आम। दादी ने क्या बोला? पेन। पेन। पापा ने क्या बोला? कॉपी। कॉपी। मम्मी ने क्या बोला? बॉक्स। बॉक्स। चाचा ने क्या बोला? आलू। चाची ने क्या बोला? प्याज। भाई ने क्या बोला था? मीठा। मीठा। बहन ने क्या बोला? सब्जी। बेटा ने क्या बोला? चीनी। चिप्स। चिप्स। और बेटी ने क्या बोला? केक। केक। तो इस तरह जो है आपको लिस्ट याद होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर से अपने मन में पूछिएगा इसको जो है, जो भी हम। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं कि लिस्ट को कैसे याद करते हैं या किसी कंटेंट को ब्रेन के नेचर, ब्रेन रूल्स और ब्रेन मेथड्स से कैसे याद करते हैं। तो किस चीज़ से हम एसोसिएट करेंगे उसके लिए मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एक परिवार में जितने मेंबर हैं उनको लिख लीजिए, जैसे दादा, दादी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, भाई, बहन, बेटा, बेटी। तो इसी से हम किसी लिस्ट को याद करेंगे, एसोसिएट करेंगे, इमेजिन करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे कि यह ऐसा हो रहा है। ऐसा करते समय हम आँख को बंद करेंगे। जैसे कि मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, पहला है आम, दूसरा पेन, तीसरा कॉपी, चौथा बॉक्स, पांचवा आलू, छठवां प्याज, सातवां मीठा, आठवां सब्जी, नौवां चिप्स और दसवां केक। तो ये 10 लिस्ट है, इसको हम एसोसिएट करेंगे, इमेजिन करेंगे। इमेजिन हमको क्या करना है? कल्पना करना है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। कल्पना करना है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे घर के मेंबर मुझसे क्या लाने के लिए कह रहे हैं। तो दादा आम लाने के लिए कह रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि दादा ने क्या बोला? आम लेते आइएगा। दादी ने बोला पेन लेते आइएगा। दादी ने क्या बोला? कि पेन लेते आइएगा। पापा ने बोला मेरे लिए। मम्मी ने बोला एक बॉक्स लेते आइएगा। चाचा ने बोला आलू लेते आइएगा। और चाची ने बोला प्याज लेते आइएगा। भाई ने कहा मीठा लेते आइएगा। बहन ने बोला सब्जी लेते आइएगा। बेटा ने कहा चिप्स और बेटी ने कहा केक लेते आइएगा। तो इस तरह हमने एसोसिएट कर लिया, इमेजिन किया, यूटिलाइज किया और बिलीव किया कि ये घटना रियल में हो रहा है।
ऐसा हम इमेजिन करेंगे और एक दूसरे से एसोसिएट करेंगे तो हमें लिस्ट याद हो जाएगा। चलिए चेक करता हूँ कि क्या लिस्ट याद हुआ। तो बताइए कि दादा ने क्या कहा था? आम लाने के लिए। दादी ने क्या बोला? पेन लाने के लिए। पापा ने क्या बोला? कॉपी लाने के लिए। मम्मी ने क्या बोला? बॉक्स लाने के लिए। चाचा ने क्या बोला? आलू लाने के लिए। चाची ने क्या बोला? प्याज लाने के लिए। भाई ने क्या बोला? मीठा लाने के लिए। बहन ने क्या बोला? सब्जी लाने के लिए। बेटा ने क्या बोला? चिप्स लाने के लिए। बेटी ने क्या बोला? केक लाने के लिए। इस तरह आप लोगों को याद हो गया। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह भी इमेजिन करेंगे, एसोसिएट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, देखेंगे कि उन्हें यह लिस्ट याद हो गया होगा। इसी तरह अपने कंटेंट को भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं एक कंटेंट लेता हूं जो कि मैथमेटिक्स का फार्मूला है, तो इमेजिन करिए कि आपको लैटरल सरफेस एरिया याद करना है, टोटल सरफेस एरिया याद करना है, वॉल्यूम याद करना है, एरिया ऑफ फाइव वॉल याद करना है और डायगोनल याद करना है क्यूब का। तो आप इमेजिन करिए कि दादा के पास गए और बोले कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। तो दादा ने बताया कि ये तो बहुत आसान है, तुम्हें अभी याद नहीं है, यहाँ पर कुछ फनी बनाइए। और दादा ने प्रेम से इतने से कहा कि 4a² होगा और 4a² आपने सुन लिया। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला को याद करने के लिए आप जाते हैं दादी के पास, दादी से पूछते हैं, दादी हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब याद करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या बात है, ये तो सबको याद होता है। तो 6a² है, 6 सरफेस होता है, उसमें ए स्क्वायर कर देंगे, हो गया, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद पापा किए आए, पापा से कहे कितने की, पापा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो पापा ने कहा कि इसमें क्या है, क्यूब में इतने में कितने साइड होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये सब बराबर होते हैं, 3 होते हैं, तो ए के पावर 3 लिख दो। एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो ए ए ए 3 बार हो गया, तो ए के पावर 3 हो जाएगा, आसान है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ 5 वॉल ऑफ क्यूब, यह आकर आपने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने बताया कि 5a² 5 वॉल है, 5a² कर दीजिए, वहाँ 6 वॉल था, 6a² कर दिए थे, यहाँ पर 5a कर दिए a² डायगोनल चाचा से पूछते हो तो चाचा जो है बता रहे हैं कितने की डायगोनल ऑफ क्यूब होता है ए स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह याद हो गया। अब हम क्रम से चेक करते हैं कि क्या याद हुआ। तो अपने आप से सेल्फ क्वेश्चन पूछेंगे कि दादा ने हमें क्या बताया। तो दादा ने क्या बताया, तो तुरंत दिमाग का को ला कर दे देगा, क्योंकि ये दादा एक फाइल है, फाइल नेम है, इसके आधार पर जो आप दादा कहेंगे दिमाग लाकर दिखाएगा कि लैटरल सरफेस एरिया दादा से पूछे थे, दादा ने बताया था क्या 4a² फिर उसके बाद हम दादी के यहाँ आए, तो दादी ने क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया, दादी ने क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया, कहे थे कि उसमें 6 सरफेस होते हैं, 6a² कर दीजिए। फिर उसके बाद आए पापा के हैं, तो पापा ने क्या बताया कि वॉल्यूम में कहे कि 3 साइड होते हैं, 3 एज होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है। तो उन्होंने क्या बताया, ए क्यूब। उसके बाद हो गया एरिया ऑफ फाइव वॉल किसने बताया, मम्मी ने बताया, ठीक है, मम्मी ने कहा कि 5 वॉल होते हैं, ए स्क्वायर कर दो, 5a² हो गया, 5a² फिर उसके बाद बारी आई चाचा की, तो चाचा ने इतने डायगोनल बताया, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, a² √3। इस तरह जो है याद हो गया। ऐसे एसोसिएट करके किसी भी लिस्ट को 10 20 25 50 लिस्ट आप याद कर सकते हैं। इसके आधार पर आप रिलेशंस बना लीजिए, रिलेशन आपको मिल गए
इधर नहीं मिलते हैं तो आप स्कूल में चले जाइए, स्कूल डायरेक्टर को ले लीजिए एक लिस्ट में, स्कूल प्रिंसिपल ले लीजिए, वाइस प्रिंसिपल ले लीजिए, मैथ टीचर ले लीजिए, साइंस टीचर ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का टीचर, जितने भी सब्जेक्ट टीचर का नाम ले लीजिए। इस तरह जो है आपको 50 लिस्ट तैयार हो जाएंगे। इस 50 लिस्ट से एसोसिएट करके किसी वर्ड को याद कर सकते हैं, सेंटेंस को याद कर सकते हैं, पैराग्राफ को याद कर सकते हैं, हेडिंग को याद कर सकते हैं। इस तरह आप किसी कंटेंट को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं ब्रेन के नेचर के आधार पर। इस तरह यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी भी ट्रेंड को चैप्टर वाइज, पेज वाइज कम से कम समय में याद कर लूं, तो ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क करके 10 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन करें, ब्रेन का टेस्ट करवाएं। इस तरह ब्रेन के नेचर को जानकर उसका यूज करके हम किसी भी कंटेंट को पेज वाइज कम से कम समय में याद कर सकते हैं। तो जल्द ही संपर्क करिए और वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। नमस्कार।